हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन बोर्डियम दो इक्कीस में फ्रेंड्स इस वीडियो में हम आपसे पूछेंगे दस क्वेश्चन जिसमें आपको आठ क्वेश्चन सही करके दिखाना है तो फ्रेंड्स आप लोग हमारे चैनल पर पहले विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें तो फ्रेंड्स इस वीडियो में आपसे पूछेंगे दस क्वेश्चन प्रत्येक क्वेश्चन के लिए मिलेंगे पाँच सेकेंड और आपको कमेंट करना है वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना है और जो रिजल्ट रहेगा वो आपके ग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप में बताएंगे कि किसका सबसे पॉल यानी सबसे ज्यादा किसका सही हुआ है तो फ्रेंड्स चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं चलिए जो फर्स्ट क्वेश्चन आज का है यानी अर्थव्यवस्था का अर्जन की एक प्रणाली है यह कथन किसका है तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्राउन ने यानी ब्राउन का जो अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है यह किसने कहा था तो ब्राउन ने कहा था चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है कृषि मछली पालन पशुपालन कुटीर उद्योग तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कुटीर उद्योग निम्नलिखित में कौन प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है तो कुटीर उद्योग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत करीब कितने वर्षों तक ब्रिटेन का उपनिवेश यानी बना रहा पाँच सौ वर्षों का या चार सौ वर्षों का या तीन सौ या दो सौ तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दो सौ तक नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दो हजार पंद्रह नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय का सृजन होता है राष्ट्रीय आय का सृजन होता है तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्पादक क्रियाओं द्वारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मुर्दा का प्राच यानी सॉरी यानी मुदा मुद्रा का प्राचीनतम रूप है यानी मुद्रा का प्राचीनतम रूप है धातु मुद्रा सिक्के वस्त्र मुद्रा या पत्र मुद्रा तो फ्रेंड्स जल्दी से कमेंट करें जाके तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वस्तु मुद्रा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई उन्नीस सौ तीस उन्नीस सौ पैंतीस उन्नीस सौ पैंतालीस उन्नीस सौ पैंतालीस चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए सैंतीस का आंसर तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उन्नीस सौ पैंतीस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसको होती है पशुओं को फलों यानी फसलों को मकानों को इनमें से सभी चलिए जल्दी से जाके कमेंट करें इसका आंसर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते देख लेते हैं निम्नांकित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है निम्नांकित में कौन मानव जनित है आपदा नहीं है सांप्रदायिक दंगा आतंकवाद रेल दुर्घटना या सुनामी तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सुनामी और सुनामी जो है एक प्राकृतिक यानी आपदा है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का अंतिम क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है यानी प्राकृतिक आपदा है सॉरी प्राकृतिक आपदा कौन है आग लगना यानी बम विस्फोट या भूकंप या रासायनिक दुर्घटनाएं चालीस का ऑप्शन नंबर आप लोग जल्दी से कमेंट जाके करें तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भूकंप जो भूकंप है वह प्राकृतिक आपदा और जाकि बाकी जितना आग लगना है बम और यानी रासायनिक दुर्घटना है ये सब जनित आपदा है यानी चलिए आज के वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में